नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जॉन डियर के बेस्ट इन क्लास ट्रैक्टर का, जो कि है जॉन डियर 5210 गियर प्रो और लिफ्ट प्रो मॉडल का। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियो का फ्यूचर में देख सको। सो दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर के बारे में, तो यहाँ पर आपको 9/5/24 के फ्रंट टायर्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़े टायर्स होते हैं। दोस्तों इस ट्रैक्टर का कलर कॉम्बिनेशन ग्रीन और येलो के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल आपको मिल जाता है, जो जॉन डियर के 50 से 60 HP कैटेगरी के लिए जो एक्सल यूज़ किया जाता है, वही एक्सल 5210 में यूज़ किया गया है। ये एक्सल जो बनाया है वो दाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एक्सल है, बनाया हुआ एक्सल है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है ये एक्सल। दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के पावर स्टीयरिंग के बारे में, तो आपको सिंगल सिलेंडर डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है। बात करें इस ट्रैक्टर के हुड के बारे में, तो आपको लॉक और अनलॉक फीचर के साथ ये आपको फ्रंट हुड आपको मिल जाता है, जिसको आप चाबी की मदद से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके बैटरी के बारे में, तो आपको बैटरी जो है फ्रंट में आपको मिल जाती है, कुछ टाइप का फ्रंट में आपको बैटरी मिल जाती है, इससे ट्रैक्टर की जो है लिफ्टिंग आगे से कम हो, फोर व्हील ड्राइव होने की वजह से ये ट्रैक्टर आगे से कम उठे। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के एयर फिल्टर के बारे में, तो आपको ड्राई टाइप का डुअल एलिमेंट का एयर फिल्टर आपको मिल जाता है, जो कि आपको मिलता है चोकिंग सेंसर के साथ। कभी भी ये फिल्टर चोक होता है तो उसका जो इंडिकेशन है वो डैशबोर्ड में आपका शो कर देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको रेडिएटर दे रखा है, यहाँ पे इंटरकूलर के लिए भी स्पेसिंग दे रखी है, हालांकि इसमें इंटरकूलर नहीं दे रखा है। यहाँ पे आपको फैन के लिए जाली दे रखी है, ये आपका कूलेंट का बॉक्स हो गया। और ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों, इसके इंजन के बारे में बात की जाए, तो आपको 50 HP का 3-सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, जो कि अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2100 रेटेड RPM पे। अब दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के CC के बारे में, तो आपको 2900 CC का इंजन आपको मिल जाता है, और काफ़ी हैवी ड्यूटी और काफ़ी पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है। इसमें आपको टर्बो मिलता है, हालांकि इसमें इंटरकूलर आपको नहीं मिलता है। अगर इसमें इंटरकूलर मिलता तो और अच्छी बात होती, टर्बो इसमें आपको मिल जाता है। ये जो मैक्सिमम टॉर्क अपनी प्रोड्यूस करता है, 170 से 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हीट गार्ड मिल जाता है, ताकि कम से कम हीट ट्रैक्टर के ड्राइवर के पैरों पर पहुँचे। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे टर्बो लगा हुआ है, ठीक है, काफ़ी अच्छा टर्बो है। और यहाँ पर आपको गियर प्रो और फोर व्हील ड्राइव की बैजिंग आपको मिल जाती है, और ये आपका हो गया, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म कर दिया गया है हीट गार्ड के साथ में, ठीक है। और ये आपका डायनमो हो गया, यहाँ पे आपको इंजन ऑयल डालने के लिए स्पेसिंग दे रखी है। ये आपका हो गया डीजल फिल्टर, और यहाँ पे आपका जैसे कि पावर स्टीयरिंग है, काफ़ी हैवी ड्यूटी पावर स्टीयरिंग हो गया, डबल पंप दे रखी, पावर स्टीयरिंग पंप अलग है, लिफ्ट मेटिंग पंप अलग है। यहाँ पर आपको सेल्फ दे रखा है, सेल्फ मोटर, ये आपका वाटर सेपरेटर हो गया। और बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के ब्रेक के बारे में, तो मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं सस्पेंडेड टाइप के, और सस्पेंडेड टाइप का ही क्लच आपको मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के कंफर्ट के बारे में, तो यहाँ पे ड्राइवर सीट के बारे में बात करते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है हैंड रेस्ट के साथ, और काफ़ी हैवी ड्यूटी ड्राइवर सीट है, आप अपने हाइट के हिसाब से इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइव लाइन की बात करी जाए, तो जॉन डियर से बेस्ट ट्रैक्टर ड्राइव लाइन में आपको नहीं मिल सकता। ये जो स्टेयरिंग है, किसी भी हाइट का आदमी स्टेयरिंग को अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकता है, एक बटन की मदद से आप ऊपर, एक बटन की मदद से आप नीचे भी स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही नया फीचर है, सबसे पहला ट्रैक्टर जॉन डियर, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने ये फीचर ट्रैक्टर की लाइन में लेकर के आए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के बारे में, तो काफ़ी अट्रैक्टिव डैशबोर्ड है, बिल्कुल डिजिटल डैशबोर्ड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर, RPM मीटर, ये आपका एम्पियर मीटर, और बहुत सारे इंडिकेशन आपको दे रखे हैं, जो कि बिल्कुल डिजिटल है। कुछ तरीके का दिखाई देता है ट्रैक्टर ड्राइवर सीट पर बैठ करके, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, तो काफ़ी हाइट इसकी ज़्यादा है, काफ़ी ऊँचाई पर ड्राइवर बैठता है, और बहुत अच्छा लगता है फ्रंट में बैठ करके। दोस्तों बात करें इसके गेयरबॉक्स के बारे में, तो आपको ABCD 4 स्पीड आपको मिल जाती हैं, उधर आपको 3 गियर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, और एक आपको रिवर्स और एक पार्किंग गियर आपको मिल जाता है, तो टोटल 12+4 के साथ स्पीड आपको मिल जाती हैं। यह आपको लिफ्टोमेटिक, ये आपको हाइड्रोलिक के लीवर दे रखे हैं प्लाव वगैरह चलाने के लिए। लिफ्टोमेटिक ये लिफ्ट प्रो का मतलब है, इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1800 से लेकर 2000 kg कर दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें PTO के बारे में, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट PTO क्लच दे रखा है, जैसे कि डबल क्लच है, गियर का क्लच अलग से है, और मतलब कि उसका क्लच अलग से है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके लिफ्टोमेटिक के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक ही पर्सन ट्रैक्टर से कोई भी इंप्लीमेंट को जोड़ सकता है, डबल लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले आप किसी भी इंप्लीमेंट को जोड़ सकते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के, यहाँ पर 3 तरह की सेंसिंग आपको मिल जाती है, 3-पॉइंट लिंगेज सिस्टम आपको मिल जाता है, और ये आपको कंपनी फिटेड आपको डबल ऑक्सिलरी वॉल्व आपको मिल जाते हैं, जो प्लांट फिटेड आपको मिल जाते हैं, अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 45 HP का PTO मिल जाता है,
जो श्रेणी में सबसे ज़्यादा है, जो कि 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमी स्पीड के साथ आपको मिल जाता है। 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले आपको बता दिया। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 65 लीटर का आपको फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डिज़ाइन की बात की जाए तो दोस्तों, जॉन डियर के ट्रैक्टर चाहे इंडिया में चलते हो चाहे यूएस में चलते हो, सेम डिज़ाइन आपको बनाया गया है। इसके टायर जो है फ्रंट टायर 9524 के हैं और बैक टायर जो आपको मिलते हैं वो 16928 के आपको मिल जाते हैं। काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है 16928 और 9524 का। डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग है ट्रैक्टर का। यूएस में चाहे इंडिया में सेम डिज़ाइन के ट्रैक्टर ये चलते हैं, ऐसा कि नहीं इंडिया के लिए अलग से ट्रैक्टर बनाया गया है, वही डिज़ाइन है जो कि यूएस और अवार्ड में फॉरेन में ये ट्रैक्टर बनते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो दोस्तों, ये थी 5210 की वीडियो। अगर आपको कोई सवाल है इस ट्रैक्टर के बारे में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।